मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज पिथौरागढ़ में 112 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने पिथौरागढ़ की बहुप्रतीक्षित मल्टी स्टोरी कार पार्किंग और नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण कर उसे जनता को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत जनपदों में विकास कार्यों के धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। 10 करोड़ की होंगी और 30 करोड़ के आसपास की उदय सिंह मैदान में, उसमें भी 30 करोड़ की योजना का उधर लोकार्पण किया गया है। तमाम जो विकास कार्य हो रहे हैं, जनता देख सके कि उन पर जो भी खर्चा हुआ है वो खर्चे की जानकारी आम आदमी को मिल सके, इसलिए हमारा ये कहना है कि पूरी जो भी निर्माण कार्य हैं, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो या कोई अन्य कार्य हो, तो डिस्प्ले होना चाहिए। 2 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री ने जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा भी किया। उन्होंने बंगापानी तहसील के बरम क्षेत्र में आपदा राहत शिविरों का निरीक्षण कर प्रभावितों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों को जल्द विस्थापित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों की मांग को देखते हुए उन्हें स्वयं मकान बनाने के लिए धनराशि देने पर भी विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य सरकार के 3.5 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर आज वर्चुअल प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने अप्रैल 2017 से सितंबर 2020 तक विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल 7,12,000 से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। उन्होंने बताया कि युवाओं और प्रदेश में लौटे प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। वहीं राज्य की भावनाओं का सम्मान करते हुए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। भविष्य की आवश्यकताओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दृष्टि से चारधाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया है। तो वहीं अटल आयुष्मान योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को निशुल्क चिकित्सा की सुविधा दी गई है। आगामी 3 माह में कैंपा के अंतर्गत 40,000 लोगों को आपको रोजगार देना है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, इसमें ऋण अनुदान की व्यवस्था है और इसमें लगभग 150 तरह के काम सम्मिलित हैं जिनके लिए आप उनके लिए ऋण ले सकते हैं। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर क्षेत्र के नगरीय सहित 20 गांवों की करीब 4,805 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर लगी रोक को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बाजपुर के आसपास लंबे समय से निवास कर रहे लगभग 8,000 परिवारों को राहत दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन गांव वालों के पक्ष में प्रदेश सरकार ने अच्छी तरह विचार किया है, अब उन्हें वहां से बेदखल नहीं किया जाएगा। साथ ही उनके हक हकूक और खेती बाड़ी का अधिकार भी पहले की तरह ही जारी रहेगा। देखिए, अभी वहां पर 85 वर्ष से कुछ लोग रह रहे थे और ऐसे लगभग 8,000 परिवार ये बाजपुर के आसपास उन गाँव में रह रहे थे, जिनको बेदखली के आदेश किए गए थे। आज उन्हें उनके जो अधिकार हैं वो उनको दे दिए गए हैं। 8,000 के लगभग जो परिवार हैं वो उस भूमि के मालिक होंगे, उस भूमि पर वो ऋण भी ले सकेंगे और जो पारंपरिक रूप से जो अपने खेती कर रहे हैं उस खेती को भी कर सकेंगे। बता दें कि 8 महीने पहले भूमि की खरीद फरोख्त पर डीएम की ओर से रोक लगा दी गई थी।